नमस्कार मित्रों, रोटी की कर्जा बड़े बड़े देवी देवताओं को भी, संत महान पुरुष को भी चुकाना पड़ा है। और एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, रोटी न सिर्फ आपके पेट भरती है बल्कि यह आपकी तिजोरी को भी धन दौलत से भर सकती है। महज एक रोटी का टुकड़ा आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी से कई प्रकार के समस्याओं को दूर कर सकती है, आपके जीवन में चले प्रत्येक प्रकार के बाधा को दूर कर सकती है, आपको नौकरी लगवा सकती है, आपके जो कहा जाए धंधा पानी में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करा सकती। इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ, इसका बहुत सारा फायदा बताऊंगा मित्रों। छोटे से जानकारी आपके भाग्य परिवर्तन जरूर करेंगे। अपने फायदे के लिए वीडियो को जरूर देखना, 2 से 2.5 मिनट की वीडियो बनने वाली है। सबसे पहले जानते हैं, छोटे बच्चे में अगर नजर दोष लग जाए और ठीक से खा नहीं पा रहे तो रोटी का यह उपाय अवश्य करना, ये नजर दोष को दूर करने का काम करेंगे। इसके लिए आप रोटी ले लेना और उस पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख देना। गुड़ को मंगल का कारक कहा जाता है और गुड़ में जो है हनुमान जी महाराज की शक्ति भी बसते हैं। फिर इसे बच्चे के ऊपर से 3 या फिर 7 बार उतारा कर देना और फिर गुड़ समेत जो रोटी है इसे काले कुत्ते को खिला देना। काले कुत्ते को भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है और काले कुत्ते को जैसे आप खिलाते हैं बच्चे को नजर लगी तत्काल दूर हो जाते हैं। भैरव बाबा खींच लेते हैं, भैरव बाबा के साथ यहाँ हनुमान जी महाराज, ये दोनों की शक्ति चलती है। जादू टोना भूत प्रेत या फिर नजर दोष का मामला हो या फिर किसी भी प्रकार का ग्रह का पीड़ा ज्यादा सता रहे हो तो कुत्ते को जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। एक रोटी लेना, उसमें गुड़ रख करके 7 बार उतारा करके काले कुत्ते को खिला देना। इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ धन्य धान की बढ़ोतरी करने के लिए। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह रोटी बनाते समय पहले रोटी को अलग से निकाल लें और उसके 4 टुकड़े कर दें। इन टुकड़े पर गुड़ या फिर आप चीनी डाल सकते हैं। पहला टुकड़ा गाय को खिलाना है, गौ माता को खिलाना है। दूसरा जो टुकड़ा है आप काले कुत्ते को खिला सकते हैं। तीसरा टुकड़े जो है कौवे को खिलाना और चौथा टुकड़ा किसी चौराहे पर चुपचाप रख करके आ जाना। ऐसा अगर आप रोज प्रतिदिन अगर 21 दिनों तक करते हैं तो मित्रों आप खुद देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएंगे कि आपकी जिंदगी में जिस भी चीज की अभाव था वह चीज आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। धन दौलत सुख सुविधा व्यापार नौकरी हर चीज इस उपाय से प्राप्त होता है। इससे हमारे जल्द से जल्द दरिद्रता का नाश होता है। हमने जो ये उपाय बताया ना, ये बड़े बड़े आज सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो कहा जाए धनी लोग हैं, ये सब उपाय करते हैं, आज भी करते हैं। और एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर किसी भी प्रकार की ग्रह की पीड़ा से आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि ग्रह की पीड़ा वह दूर हो जाए, आपको सफलता मिले, आपको धन दौलत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो, आपको नौकरी मिले व्यवसाय मिले, तो एक काम करना, आप घर में बनाने वाली जो प्रथम रोटी है उसमें 1 से लेकर 9 तक के अब जो है संख्या लिख लेना। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही अंकों पर नवग्रह बंधा होता है। फिर आपको करना क्या है, इस रोटी को ध्यान से सुन लीजिए, इस रोटी को प्रतिदिन स्नान करने के बाद या फिर आप जो है पूजा पाठ करने के बाद इसे गौ माता को खिला देना। 21 दिन तक लगातार यह रोटी खिलाना, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। धन दौलत सुख सुविधा नौकरी व्यवसाय हर चीज आपको प्राप्त होंगे। तो यह थे छोटी सी रोटी के टोटके। मित्रों आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।